हेलो गाइस, हाउ आर वी डूइंग। सो मेरा नाम है अर्पिता और आज हम पढ़ने वाले हैं सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। देखो, क्लैट पीजी आने वाला है, इसीलिए तैयारी कर लो अक्टूबर और नवंबर का भी फर्स्ट वीक तक के केस लॉज पढ़ने की, क्योंकि पिछले बार भी 5 नवंबर तक का केस लॉ तो पूछा गया था, तो इस बार भी एग्जाम 3 दिसंबर को है। तो हो सकता है कि नवंबर में भी फर्स्ट वीक तक के केसेस पूछे जा सके। मुश्किल है लेकिन पूछा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा ओवर प्रिपेयर्ड रहो। दूसरी चीज, अक्टूबर मंथ के केसेस भी हम करवाएंगे जल्दी ही इस चैनल पे। सो इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाने वाला है यूट्यूब पे ही। लंबे लंबे मैराथन होने वाले हैं जहां पे हम आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, हर चीज एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। इसीलिए इट इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ कमिंग टू केस समरीज ऑफ सितंबर मंथ। अब देखो, सितंबर मंथ में बहुत सारे जजमेंट्स आए थे जो जरूरी थे, जो इंपॉर्टेंट थे, तो उनमें से क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। गुड इवनिंग यश, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, जो पहला केस है वो है कुबरा बीबी वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस का। ओरिएंटल इंश्योरेंस, देखो जब भी कभी भी किसी भी केस में इंश्योरेंस वर्ड पढ़ो ना, तो समझ जाना कि केस किस बारे में है, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस किया है तो किस लिए किया है, मोटर व्हीकल के लिए, एक्सीडेंट के लिए क्लेम के लिए केस किया गया होगा। तो यहाँ भी ये जो केस है ये किसके लिए है, मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर ही AS बोपन्ना एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का केस था। अब इसमें क्या क्या बात हुई थी, सोशल स्टेटस ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ लैक ऑफ प्रूफ ऑफ इनकम। देखो, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उन लोगों को कॉम्पनसेशन किस हिसाब से मिलता है, उनकी इनकम के हिसाब से मिलता है, प्लस जितने उनके डिपेंडेंट्स हैं, इन सारी ही चीजों को कंसिडर किया जाता है बिफोर अवॉर्डिंग द कॉम्पनसेशन। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो क्या ऐसे में उसे कुछ ऐसा पुख्ता सबूत देना पड़ेगा, कुछ ऐसा हार्डकोर एविडेंस देना पड़ेगा जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि उसकी इनकम कितनी थी, क्योंकि इनकम के बेसिस पे ही कॉम्पनसेशन डिसाइड होगा। तो इस केस में कोर्ट ने ये रिटरेट किया था कि हम लॉ ऑफ एविडेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते इन ट्रिब्यूनल्स। तो यहाँ पे भी जो ट्रिब्यूनल है उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनकम का प्रूफ नहीं है, इनकम का कोई हार्डकोर प्रूफ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उसका इनकम कैसे डिसाइड कर सकते हो, बाय सीइंग हिज सोशल स्टेटस। तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, उसका सोशल स्टेटस क्या था, ये देखा जा सकता है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि नोशनल इनकम भी ध्यान में रखी जाए। नोशनल इनकम क्या होती है, किसी को पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ अगर पता है नोशनल इनकम क्या होती है। देखो, नोशनल इनकम क्या होती है, बेसिकली एक रफ आइडिया कि इसको कितना पैसा मिलता था मंथली। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से इसके पास पैसा आ रहा है, पिछले महीने में इतने खर्चे हुए थे मतलब इतना पैसा आया होगा, इस महीने में इतने खर्चे अलाइन है मतलब इतने खर्चे आए होंगे, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते एक नोशनल यानी एक टेंटेटिव इनकम बताई जाती है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे इनकम दे दी जा सकती है, यहाँ पे कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट केस है जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसमें जस्टिस जो बेंच थी वो थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड दीपांकर दत्ता की। इस केस में 173 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिस्कस किया गया था। क्या इश्यू था एक बार फटाफट देखो। कॉग्निजेंस ऑफ अ केस बाय मैजिस्ट्रेट आफ्टर रिजेक्टिंग पुलिस फाइनल रिपोर्ट। अब देखो, इस केस में ना प्रोटेस्ट पेटिशन के ऊपर जजमेंट था ये। तो प्रोटेस्ट पेटिशन होती क्या है, व्हाट इज प्रोटेस्ट पेटिशन, इस सवाल का भी जवाब पता है तो फटाफट बताओ, नहीं पता तो मैं तो बताऊंगी। देखो, अगर पुलिस के पास केस आया है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एक फाइनल पुलिस रिपोर्ट देती है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने एक फाइनल पुलिस रिपोर्ट देती है, और उसमें वो कह देती है अगर कि इस केस में कोई दम नहीं है, किसी और इसमें केस चलाने की जरूरत नहीं है, कोई केस प्राइमा फेसी नहीं बन रहा है अक्यूज के खिलाफ, तो ऐसे में अब जो जज है उसके पास दो तीन ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन तो यह है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले और कह दे कि हाँ मैं भी अग्री करता हूं कि इस केस में तो कोई दम नहीं है, प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बन रहा, और वहीं उसको डिसमिस कर दे। दूसरा वो ये कर सकता है, जज जो है, जो मैजिस्ट्रेट है जो केस सुन रहा है, वो ये कर सकता है कि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के बावजूद वो ये कह दे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन से मुझे तो लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस है। तो इवन दो पुलिस ने ये कह दिया है कि इस केस में कोई दम नहीं है, प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बनता है, कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, तब भी कोर्ट ये कह सकता है, हाँ, तब भी कोर्ट ये कह सकता है कि हम फिर भी इस केस में आगे बढ़ेंगे और समन इश्यू कर सकता है। तो वहां पे कोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन में जो भी फाइंडिंग्स मिली है, सिर्फ उनके बेसिस पे भी केस आगे स्टार्ट कर सकता है। अब बात रही प्रोटेस्ट पेटिशन की। तो प्रोटेस्ट पेटिशन क्या है? मान लो एक एक पुलिस रिपोर्ट आई है। इस पुलिस रिपोर्ट में जो पुलिस है उसने कह दिया है कि कोई प्राइमा फेसी केस है नहीं। इस पुलिस रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए जो विक्टिम है उसने एक पेटिशन दायर की है और उसने कहा है कि माय लॉर्ड, ये पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि कोई दम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जिनको पुलिस ने कंसिडर ही नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी। तो इस प्रोटेस्ट पेटिशन, इसे कहा जाता है प्रोटेस्ट पेटिशन। क्यों? क्योंकि ये किसे प्रोटेस्ट कर रहा है? पुलिस रिपोर्ट को। तो पुलिस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करती हुई पेटिशन को प्रोटेस्ट पेटिशन कहा जाता है। इसे इसका भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकता है। कौन से सेक्शन के अंदर ऐसी प्रोटेस्ट पेटिशन का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? एक हिंट दे रही हूं, सेक्शन 190 का एक क्लॉज है जिसके अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट। बताओ कौन सा क्लॉज है वो, जिसके अंदर प्रोटेस्ट पिटिशन को एज कंप्लेंट मान के उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। ठीक, नेक्स्ट केस देखिए, अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है ये। इस केस में यूज ऑफ 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब 482 के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस हैं। अनुष्का का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, वेरी गुड अनुष्का। ठीक, चलो, तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी केसेस हैं 2023 के, 2022 के, आपने देखा होगा कि 482 के ऊपर बहुत केसेस हैं, विच इज वाई दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन को आपको पढ़ना चाहिए और इससे रिलेटेड जो केसेस हैं उन्हें आपको अच्छे से करना चाहिए। तो देखो 482 की एम्बिट कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसे कितना यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो केस है, इस केस में 482 है क्या? बाय द वे, व्हाट इज 482 ऑफ सीआरपीसी? 482 है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना इनहेरेंट पावर। तो ये इनहेरेंट पावर कितनी है इस केस में, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भले ही चार्जशीट इशू हो गई थी एंड 482 की जो पिटिशन थी वो पेंडिंग थी, चार्जशीट इशू हो गई है। चार्जशीट कब इशू होती है? तो एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज के खिलाफ काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं, तो जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं उनके बेसिस पे एक चार्जशीट फाइल होती है ना, जहां पे चार्जेस लेट डाउन किए होते हैं कि अक्यूज के ऊपर ये इल्जाम है, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है, ये सारी चार्जशीट फाइल होती है, ये सारे चार्जेस को लेके एक चार्जशीट फाइल होती है। तो ये जो चार्जशीट है ये फाइल हो चुकी है, यानी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो, उसकी मशीनरी स्टार्ट हो चुकी है, उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑलरेडी प्रोसेस में है, चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन हमने तो एफआईआर क्वैश करने के लिए बहुत पहले ही आवेदन लगा दिया था, बहुत पहले ही एप्लीकेशन लगा दिया था। तो जस्ट बिकॉज चार्जशीट फाइल हो गई है, क्या अब हाई कोर्ट की पावर इतनी नहीं है कि वो उस एफआईआर को क्वैश कर सके? क्वेश्चन ध्यान से समझो बेटा, चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट इतना नहीं है कि एफआईआर अब क्वैश कर सके? कोर्ट ने कहा नहीं है, अभी भी इतना, इवन इफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है तब भी 482 आईपी 482 सीआरपीसी के अंदर कोर्ट के पास पावर है कि वो एफआईआर क्वैश कर सके भले ही चार्जशीट फाइल हो चुकी हो।
भले ही चार्जशीट फाइल हो चुकी हो। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट केस पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट केस का नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का है। ठीक है, क्या है इस केस का नाम? रेवाना सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। रेवाना सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, ये किसके बारे में है? ये फैमिली लॉ का केस है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर बेसिकली केस था। ये किस चीज के ऊपर है? सेक्शन 16(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर। किस बारे में बात की है यहाँ पे? लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की है। क्या है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन क्या होते हैं, आपको पता है? क्या लेजिटिमेट चिल्ड्रन और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन क्या होते हैं, सबको पता है? देखो, चाहे बच्चे किसी भी तरह की मैरिज से पैदा हुए हों, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, किसी भी मैरिज से, किसी भी मैरिज के दौरान, इन द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मैरिज, बीट वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज, जो बच्चे हुए हैं वो सारे बच्चे लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चे जो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुए हैं, यानी देयर पेरेंट्स वर नॉट मैरिड एट ऑल। तो ऐसे में जो लेजिटिमेट बच्चे हैं और जो इलेजिटिमेट बच्चे हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो जो लेजिटिमेट बच्चे हैं, ये लेजिटिमेट बच्चे एंटाइटल्ड हैं टू गेट शेयर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनका कोई शेयर नहीं होता है, इन्हें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था? लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अंडर इनवैलिड डिक्लेयर्ड मैरिज। ये क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिजेस जिन्हें वॉइड डिक्लेयर करवा दिया गया, अगर उनमें बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका शेयर कितना है, उनकी लेजिटिमेसी कितनी है? तो यहाँ पे क्या बताया, जरा एक बार देखो। द लॉ रिक्वायर्स द अजम्पशन ऑफ सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड जस्ट बिफोर द कोपार्टनर्स डेथ। इसका मतलब कोपार्टनरी प्रॉपर्टी डिवाइड करते समय ये ध्यान में रखा जाएगा कि वो जो कोपार्टनर था उसका स्टेटस क्या था, तभी तो ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी, है ना? तो उसका स्टेटस यहाँ पे देखना जरूरी है। इसके जो एयर्स होंगे उन्हें अगर लेजिटिमेसी सेक्शन 16 दे रहा है तो फिर उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलेगी जो उनके एंसेस्टर्स की थी, यानी जो डिसीज की प्रॉपर्टी थी, जो जितनी प्रॉपर्टी डिसीज को मिलने वाली थी उतनी प्रॉपर्टी बांटी जाएगी उसके कोपार्टनर्स में। लेकिन अगर जो डिसीज था वो डिसीज ही इलेजिटिमेट था, तो फिर तब जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसे जितनी मिलने वाली थी वही डिवाइड होगी, तो उसे तो उसके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। तो क्या उस डिसीज को जो ऑलरेडी इलेजिटिमेट है, क्या उसकी प्रॉपर्टी जो बटेगी उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी बंटवारा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेजिटिमेट बच्चों को, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई कोपार्सनरी बेनिफिट्स नहीं मिलते, कोई हिस्सा नहीं मिलता, बिल्कुल सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा है, द कोर्ट डिसाइडेड दैट द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द पोर्शन ऑफ देयर पेरेंट्स एस्टेट। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? यही जो सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से, उन बच्चों को किस चीज का हिस्सा मिलेगा? उनके पेरेंट्स के एस्टेट में से मिलेगा, पेरेंट की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से हिस्सा उन्हें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज। ये किस बारे में केस है? एंटिसिपेटरी बेल टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। अब आप मुझे बताओ कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होते हैं और किस सेक्शन के अंदर ऑफेंडर्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार किया जाता है? सेक्शन बताओ मुझे और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो चलो मैं बताती हूँ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है? ऐसे बदमाश, ऐसे ऑफेंडर्स जिनको प्रोक्लेम किया जा चुका है कि ये लोग, इन लोगों ने, ये लोग इन ऑफेंसेस में शामिल थे, जिन्हें अनाउंस कर दिया गया है, प्रोक्लेम कर दिया गया है कि ये लोग ऑफेंडर्स हैं और अब ये भाग चुके हैं, ऐसे ऑफेंडर्स। तो आप मुझे बताओ कि एंटिसिपेट की बेल
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? ठीक है, अब इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में ये कहा गया था कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जस्ट बिकॉज कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या उसे एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा? देखो जरा क्या कहा, द क्राइटेरिया यूज बाय एपिलेट कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर अ बेल ऑर्डर वॉज करेक्टली इशूड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच यूज टू डिटरमाइन वेदर अ बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड। इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, इस केस में एंटिसिपेटरी बेल शुड ओनली बी गिवन टू अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन अनयूजुअल एंड अनकॉमन सर्कमस्टेंसेस। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोई है, ऐसा कोई ऑफेंडर है जिसे प्रोक्लेम कर दिया गया है कि ये तो चोर उचक्का बदमाश है ही, ऐसा कोई पर्सन है, तो उसे एंटिसिपेटरी बेल अगर दी जा रही है तो वो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही देनी चाहिए, बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही देनी चाहिए, उसे जनरली नॉर्मली कैजुअली बेल नहीं देनी चाहिए, स्पेशली एंटिसिपेटरी बेल। बिल्कुल ठीक अनुष्का, सेक्शन, तरुण का भी आंसर सही है। सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी में ऑफेंडर्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। वेरी गुड। नाउ इन द केस ऑफ डेरहा वर्सेस विशाल, ये केस भी किस चीज के ऊपर है? ये केस भी है ऑन हिंदू मैरिज एक्ट, और यहाँ पे भी क्या डिस्कस किया गया था? शेयर ऑफ एयर्स इन कोपार्सली प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, कितनी प्रॉपर्टी, कितने कितने लोगों में कितनी प्रॉपर्टी बटेगी, जो कोपार्सली प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी, इस चीज के ऊपर ये केस था। क्या इसमें इशू किया गया था कि बहुत बार ये चीज बताया जा चुका है कि कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार इस तरह का केस आ ही जाता है जहां पे उन्हें बताना होता है कि यहाँ पे किस तरह से प्रॉपर्टी मिलेगी। तो प्रॉपर्टी कैसे बटती है बेटा? जो डिसीज्ड पर्सन है, जिसकी प्रॉपर्टी बटनी है, उस डिसीज्ड पर्सन का शेयर पहले कैलकुलेट किया जाता है कि इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इसको कितनी प्रॉपर्टी कितनी जगह से मिलने वाली थी। तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी जब डिसाइड हो जाती है, तब डिसाइड किया जाता है कि किस उसके को पार्टनर्स को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी जाती है? उस डिसीज्ड पर्सन की। मान लो एक ग्रैंडफादर है, एक फादर है और उनके बच्चे हैं, फादर की डेथ हो गई, ग्रैंडफादर अभी जिंदा है, लेकिन फादर को उनके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में तो पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे में जब फादर की डेथ हो गई, तब ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का, इस फादर की प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे किया जाएगा? पहले नोशनल पार्टीशन किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि फादर को कितना पैसा मिलने वाला था, कितनी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, और फिर उसे डिवाइड किया जाएगा। और ये प्रॉपर्टी भी कब मिलेगी? जब जो ग्रैंडफादर है उनकी डेथ होने पे, फिर ये ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ऐसे बटेगी जैसे फादर भी जिंदा थे और फादर के बाद उनके बच्चों को मिली है। तो पहले नोशनल पार्टीशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, अर्चना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक, अब इस केस में जो इशू था वो था सेक्शन 323 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। क्या है सेक्शन 323 ऑफ सीआरपीसी? ये बात करता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड द केस शुड बी कमिटेड। अगर कोई ऐसा केस है जहां पे मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस को कमिट कर देना चाहिए, कमिटल ऑफ द कमिटल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, जहां पे जिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस का कॉग्निजेंस लिया है उसे लगता है कि इस केस को तो किसी दूसरे केस कोर्ट को सुनना चाहिए था, सेशन कोर्ट को सुनना चाहिए था, या फिर किसी और कोर्ट को सुनना चाहिए था, तो वो उसे कमिट कर सकती है, ये प्रोसीडिंग्स कमिटल प्रोसीडिंग्स में जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो केस था, इस केस में जो जजेस थे वो थे जस्टिस MM सुंदरेश एंड JB पारदीवाला। इस साल जो JB पारदीवाला के जजमेंट्स हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत लैंडमार्क एंड वेल रीजन जजमेंट्स दिए हैं उन्होंने, तो हो सकता है कि उनके जजमेंट्स आने के ज्यादा चांसेस हो। प्लस क्रिमिनल लॉ में ज्यादातर जजमेंट्स उन्हीं के हैं, और क्रिमिनल लॉ मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में इतना ज्यादा पूछा गया है, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद मेन एग्जाम में भी क्रिमिनल लॉ ज्यादा पूछा जाए, तो इसीलिए ये इनके जजमेंट्स तो आप अच्छे से कर ही लेना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे कैलकटा के एक मैजिस्ट्रेट थे, उन मैजिस्ट्रेट ने
कमिटल प्रोसीडिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि आपके पास एक केस आ गया, आपको पता है कि आप इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, फिर भी आप प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो, आप विटनेसेस को एग्जामिन कर लेते हो और फिर एक रिपोर्ट बना के फिर उस पूरी प्रोसीडिंग को कमिट करते हो। यहाँ पे बिना किसी विटनेस को डिपोज किए, सब्जेक्ट किए एग्जामिनेशन के, सीधे कमिट कर दी गई प्रोसीडिंग। तो इस प्रोसीडिंग को इम्प्रॉपर करार दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट इज द केस ऑफ मुन्ना पांडे। नेक्स्ट इज द केस ऑफ मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में ये देखिए इशू क्या था, पावर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। किस बारे में बात करता है 162? कि अगर कोई पर्सन है जिसका हमें स्टेटमेंट लेना है, अगर अक्यूज पर्सन का हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्यों हम उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या कहा गया था कि कोर्ट जब किसी अक्यूज का स्टेटमेंट लेता है, कोर्ट जब किसी अक्यूज का स्टेटमेंट लेता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों रीजन, क्या क्या रीजन है कि हम उसका स्टेटमेंट ले रहे हैं। टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी कि वो जस्टिफाई कर सके जितनी चीजें उसने करी है। मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है, वो कहता है कि मैं उसके ऊपर आपने जितने भी चार्जेस थे वो सारे उसको बता दिए। अब उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए टू एक्सप्लेन कि उसने क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ था। उसे भी तो हर एविडेंस को समझाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये मौका उसे कैसे मिलता है, ये मौका उसे दिया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। तो मैजिस्ट्रेट उसे हर एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है और हर एविडेंस के ऊपर उनसे ये पूछ सकता है कि आप बताओ कि ये एविडेंस आपके खिलाफ मिला है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्हें हर चीज को समझाने का मौका दिया जाता है। इसे ऑडी ऑल्टरम पार्टम का भी प्रिंसिपल कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। अब अगर मान लो जो मैजिस्ट्रेट है, बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे में हर चीज का सवाल, हर एविडेंस को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए अक्यूज को। ये जितना भी स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट साइन होता है, क्या अक्यूज को सिग्नेचर करना होता है इन सारे स्टेटमेंट्स पे, बताओ। देखो, इस सवाल का जवाब अगर आता है तो मैं मान लूंगी कि तुमने सीआरपीसी ठीक से पढ़ा है। अक्यूज जो स्टेटमेंट देता है जहां पे वो सारे एविडेंसेस एक्सप्लेन कर रहा है खुद के अगेंस्ट, क्या उन स्टेटमेंट्स को साइन करना जरूरी होता है? इस सवाल का अगर जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने सीआरपीसी कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि सीआरपीसी इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड सीआरपीसी दिस ईयर। वेरी गुड लक्ष्मी, अनुष्का और लक्ष्मी, यस, इन तीनों को तो पता है, बाकी लोगों को आंसर इसका अगर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, चलिए, मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ही कोर्ट ने रोल ऑफ अ जज इन अ केस बताया था। इस केस में एक 10 साल की लड़की इस केस में एक 10 साल की लड़की को रेप एंड मर्डर किया था मुन्ना पांडे ने, और हाई कोर्ट ने इनका जो डेथ सेंटेंस था उसे अपहोल्ड किया था। अब यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट का अपना एक ओपिनियन था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, हर इंसान बायस्ड होता है और जज भी इंसान ही है, वो भी ह्यूमन ही है, वो भी ऑफ कोर्स बायस हो सकता है, वो भी ऑफ कोर्स इतना हीनियस अगर क्राइम आता है किसी के सामने, किसी भी जज के सामने अगर इतना हीनियस क्राइम आता है जहां पे एक छोटे बच्चे का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो ऑब्वियसली जज को भी वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स द अक्यूज फील होता है। अब अगर मान लो जज को भी वो फील हो रहा है, तो ऐसे में जज भी ये ट्राई करेगा कि जितने एविडेंसेस आ रहे हैं उन सारे एविडेंसेस को यूज कर सके अक्यूज के अगेंस्ट, है ना, और उस अक्यूज को सजा सुना सके। ऐसा करना सही नहीं है। जज को हमेशा हमेशा अनबायस्ड एटीट्यूड ही रखना चाहिए टुवर्ड्स द केस, टुवर्ड्स द अक्यूज। कितना भी घिनौना केस हो सकता है एक डाउट ऐसा हो सकता है, एक एविडेंस ऐसा हो सकता है जो कि अक्यूज के फेवर में हो, जो कि अक्यूज को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द जज इन द केस प्लेज अ रोल जहां पे वो अनबायस्ड होके, अनअफेक्टेड होके
केस सुने और केस को केस का रिजल्ट दे सके। हाँ ठीक। इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मंजू रानी राउतरे, ये किस बारे में था? ये केस था कि किसी प्रोविजन को अल्ट्रा वायस डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए। अब ये जो केस था ना, ये केस किस बारे में था? ये केस था एक प्रमोशन के बारे में। किस चीज के ऊपर था? कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाना चाहते हो, तो फिर आपको अपनी प्रेयर में, जो आपका रिलीफ प्रेयर होता है, उसमें ये चीज स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। बिना बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता, राइट? तो आपको स्पेसिफिकली ये प्लीड करना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ था? कुछ प्रमोशन से रिलेटेड इशू हुआ था। प्रमोशन से रिलेटेड जो इशू था वो एक पर्टिकुलर रूल के ऊपर था। इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया हाईकोर्ट ने। अब ये जो रूल था, इस रूल के बारे में तो कभी भी मंजूरानी राउतरे ने कहा ही नहीं था कि मैं चाहती हूँ कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। उन्होंने अपनी प्रेयर्स में तो कभी ये मांगा ही नहीं था। फिर भी हाईकोर्ट ने क्या किया? फिर भी हाईकोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ये कहा कि आप ऐसे कैजुअली चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन है, देखो इसका क्या रीजन है। अगर ये चीज इशू में होती है ना, अगर ये चीज मंजूरानी राउतरे ने मांगी होती कि इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, तब इस चीज का इशू बनता। इशू बनता यानी इस चीज के ऊपर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता। मंजूरानी राउतरे अपने फेवर में कंटेंशन बताती, यूनियन ऑफ इंडिया अपने फेवर में कंटेंशन बताता, तो यानी दोनों पक्षों को सुनने का मौका मिलता। अब आपने अगर किसी चीज को इशू ही नहीं बनाया, इसका मतलब जो अदर पार्टी है उसे तो आपने सुना ही नहीं, उसके आर्ग्यूमेंट्स तो आपने सुने ही नहीं। तो अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स आपने नहीं सुने, अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं सुने आपने, तो फिर कैसे आप ये कह सकते हो कि जो केस है वो केस फेयरली डिस्कस था, इस केस की हियरिंग ठीक हुई है, राइट? तो इसीलिए अगर किसी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है तो किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब पेटिशनर ने स्पेसिफिकली अपनी प्रेयर में इस चीज की डिमांड करी हो, अदरवाइज नहीं। वरना दूसरी पार्टी को तो सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे इस केस में हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया डिड नॉट गेट अ चांस टू गेट हर्ड ऑन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो इसीलिए इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए हमारा। ये केस किस बार, नेक्स्ट केस का नाम, नेक्स्ट केस का नाम है यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये किस बारे में है? स्टेट डिसाइसिस के बारे में है ये सेक्शन, ये केस। और ये किस बारे में है? ये इस बारे में है कि अगर कोई चीज ऐसी है, कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी, एबीसी कोई चीज है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड कर दिया। अब इस चीज के ऊपर मान लो सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो रहा है, एक रिव्यू पटिशन फाइल कर दी है और केस पेंडिंग है, तो ऐसे में हाई कोर्ट के पास अगर इस तरह का केस आए तो हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए? क्या हाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग स्टे करके बैठ जाए कि नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑर्डर देगा तब हम सुन लेंगे और तब तक कोई कार्यवाही ना करें, या फिर हाई कोर्ट जो केस ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, भले ही उसका रिव्यू पिटिशन चल रहा है, लेकिन जो केस ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, क्या उसके जजमेंट के बेसिस पे अपना डिसीजन दे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट केस में यही कहा था कि एक बार अगर हमारी बेंच ने, किसी भी बेंच ने जजमेंट दे दिया, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट उस जजमेंट को अडियर करे, भले ही उस जजमेंट को किसी और केस में चैलेंज किया गया हो, भले ही वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वो केस जब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक हाई कोर्ट उसके पास आ रहे केसेस के बारे में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। तब तक हाई कोर्ट प्रोसेस फॉलो ना करे ऐसा नहीं हो सकता। तो हाई
हाई कोर्ट को किस केस के हिसाब से जजमेंट देना चाहिए, जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसके हिसाब से, भले ही वो केस बाद में चैलेंज हो रहा हो, भले ही वो केस फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा हो, लेकिन जो जजमेंट डिसाइड हो गया है उसके ऊपर आपको जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ नहीं अपलोड होगा बेटा, पीडीएफ ऑफ कोर्स अपलोड नहीं होगा। आप ये केसेस रेफर कर सकते हो इन वीडियोस के थ्रू ही, आप अपने नोट्स बना सकते हो वीडियोस के थ्रू ही, लेकिन पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। चलिए ठीक है, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सेप्टेम्बर। ये सारे केसेस के नोट्स बना लीजिए, सारे केसेस को रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, केसेस समझ में आए हैं, एंड यू आर एक्साइटेड फॉर केस लॉज ऑफ अक्टूबर नवंबर मैराथॉन्स जो कि होने वाली है जल्दी ही इस चैनल पे, तो अभी सब्सक्राइब कर लो फटाफट। सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इस वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।